बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक पायल नाम की लड़की रहा करती थी। पायल जब छोटी थी तभी उसकी माँ का मृत्यु हो चुका था। पायल के पिता दूसरी शादी कर लिए थे। पायल एक बहुत ही होनहार और अच्छी लड़की थी। वो खेलकूद और पढ़ाई में पहला स्थान पर आती थी, इसलिए पायल के पिता पायल को बहुत ही पसंद करते थे। पायल की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम कविता था। कविता खेलकूद और पढ़ाई में बहुत ही पीछे थी। कविता का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कविता को फैशन करना बहुत ही अच्छा लगता था। वो ब्यूटी पार्लर में जाकर ढेर सारे मेकअप खरीदती थी। पायल मेकअप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। ये सब देखकर पायल की सौतेली माँ बहुत ही गुस्सा होती थी। उसके पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे। पायल के पिता जब घर पर नहीं होते थे तब पायल की मम्मी उसे बहुत ही डांटा करती थी। फिर एक दिन पायल अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरे पढ़ाई के लिए मुझे कुछ बुक्स और कॉपी चाहिए, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो। क्या बोली तू, तुझे पैसे चाहिए? पहले से ही हम लोग इतने पैसे दे चुके हैं, अब और कितने पैसे देंगे हम लोग? हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे तेरी पढ़ाई के लिए? हमेशा तो तुम मुझसे पैसे ही मांगती है, किसी चीज का बहाना बनाकर तो तुम मुझसे पैसे ही मांगती रहती है। न जाने तू इतने पैसों का करती क्या है। अब तू यहाँ से चली जाए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन माँ, मेरा कुछ ही महीनों में एग्जाम भी आने वाला है, अगर आप मुझे बुक्स नहीं खरीदेंगी तो फिर मैं पढ़ूंगी कैसे? मत पढ़, तुझे पढ़ने के लिए कहता ही कौन है? अगर तू नहीं पढ़ेगी तो घर का बहुत खर्चा बचेगा, उतने में कोई काम हो जाएगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर पायल उदास हो जाती है। तभी उसकी बहन कविता आती है। माँ, बाजार में एक बहुत ही अच्छा क्रीम आया है, तुम मुझे उसे खरीदने के लिए पैसे दे दो। अरे कविता बेटी, तू चिंता क्यों करती है? बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तेरे पिता से बोलकर तुझे अभी पैसे दिलवा देती हूँ। माँ, उसे खरीदने के लिए सिर्फ 500 रुपए ही चाहिए। ठीक है बेटी, जब तेरे पिता आएंगे तो मैं तुझे पैसे दिलवा दूंगी। ये सब बातें सुनकर पायल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। पायल अपने कमरे में जाकर कहती है, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? कितने दिन हो गए तुम्हारा मुझे प्यार नहीं मिला है। सौतेली माँ ने तो मुझे कभी अपना बेटी माना ही नहीं है। स्कूल में कितने सारे सब्जेक्ट लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक भी बुक्स नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कुछ महीनों में तो परीक्षा भी आने वाली है। अगर मेरे पास बुक्स नहीं होंगे तो मैं पढ़ूंगी क्या? अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो परीक्षा कैसे दूंगी? अगर मैं परीक्षा नहीं दी तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगी। अगर पापा घर पर होते तो मुझे बुक्स खरीद देते। तभी पायल के मन में एक बहुत ही अच्छा विचार आता है। पायल अपने दोस्त के यहाँ से जाकर पूरी बुक ले आती है और रात भर जाकर पढ़ाई करती है। फिर कुछ महीनों के बाद पायल का एग्जाम आ जाता है। पायल बहुत ही मेहनत करके परीक्षा में फर्स्ट आती है। अरे मैं तो परीक्षा में फर्स्ट आई हूँ, लेकिन क्या फायदा, मैं तो आगे की पढ़ाई कर ही नहीं सकती हूँ। आगे की पढ़ाई करने के लिए तो कुछ पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर मैं पैसे सौतेली माँ से मांगी तो वो मुझे बहुत डांटेगी और मुझे कहीं मार भी ना दे। माँ अगर तुम होती तो मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। मुझे आगे अभी पढ़ना है, लेकिन एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? फिर उस दिन रात को जब पायल सो रही थी तभी उसे एक आवाज आती है, बेटा पायल। आवाज को सुनकर पायल घबरा जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। कौन हो तुम, सामने आओ। पायल की बात सुनकर एक आत्मा बाहर आती है। वो आत्मा किसी और की नहीं थी बल्कि पायल की माँ की थी। पायल की माँ पायल से बोलती है, बेटा पायल मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी मृत्यु के बाद मैं एक आत्मा में बदल चुकी हूँ। पायल बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस घर में बहुत ही दुख और तकलीफ है। तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं और बात बात पर तुम्हें डांटती रहती हैं। पायल बेटा मरने के बाद मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। मैं उन शक्तियों से तुम्हें एक जादुई पर्स देती हूँ। वो जादुई सुनहरा पर्स तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखाएगा। ये लो बेटा। लेकिन माँ मैं ये जादुई पर्स सौतेली माँ को कैसे दूंगी? बेटा तुम इस जादुई सुनहरे रंग के पर्स से बोलना, जादुई सुनहरे रंग के पर्स तुम पर्स की बारिश कर दो। तुम्हारे ऐसा बोलते ही जादुई पर्स की बारिश होने लगेगी। तुम उन पर्स में से एक पर्स अपनी सौतेली माँ को दे देना,
फिर देखना उसके साथ क्या होता है। और पायल बेटा, तुम इस सुनहरे पर्स से अगर जो भी मांगोगी, ये जादुई सुनहरा पर्स तुम्हें वो देगा। इतना बोलकर पायल की माँ का आत्मा वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जादुई सुनहरे रंग के पर्स तुम मुझे पर्स दे दो। पायल के इतना बोलते ही उसके कमरे में जादुई पर्स की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर पायल बहुत ही खुश होती है और एक पर्स को लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, वो कल मैं बाजार गई थी तो मैं आपके लिए एक पर्स लेकर आई हूँ। मैं सोची कि आपके पास एक भी पर्स नहीं है तो मैं ये पर्स आपको दे दूँ। लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो माँ, मैं आपसे बताना भूल गई, मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, मैं उसी पैसे से आपके लिए पर्स खरीद कर लाई हूँ। पायल की सौतेली माँ जब वो पर्स देखती है तो उन्हें बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो पायल को मना नहीं कर पाती है। फिर पायल की सौतेली माँ वो पर्स अपने पास रख लेती है। अब पायल की सारी दुख और तकलीफ दूर हो गई थी, क्योंकि पायल जादुई पर्स से पैसे मांगकर अपने लिए सभी चीज खरीद लिया करती थी। फिर एक दिन पायल की सौतेली माँ वो जादुई पर्स को लेकर किसी पार्टी में जाने वाली थी, तभी पायल की माँ की आत्मा उस जादुई पर्स में से निकलती है। क्यों बहुत दुख दी हो तुम मेरी बेटी को? अब देखो मैं तुम्हें कैसा मजा चखाती हूँ, तुम्हें भी उसका दंड जरूर मिलेगा। इतना बोलकर पायल की माँ की आत्मा में से एक डंडा बाहर निकलकर पायल की सौतेली माँ की पिटाई करने लगता है। हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, अब से हम पायल को बहुत ही अच्छे से रखेंगे, अब उसे कभी भी कोई दुख नहीं होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम मुझे माफ कर दो, आगे से तुम्हारी बेटी को हम बहुत ही अच्छे से रखेंगे। अब मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ, मैं जब चाहे तब यहाँ पर आ सकती हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी को कभी भी दुख और तकलीफ दिया तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगी। फिर उस दिन से पायल की सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। अब पायल को वो किसी भी चीज की कमी नहीं करती थी। अब पायल भी अच्छे से पढ़ाई करने लगी थी। पायल की माँ कुछ दिनों तक देखी, फिर वो समझ गई कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर पायल की माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, फिर वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। फिर पायल की सौतेली माँ पायल से अच्छे से व्यवहार करने लगती है, फिर वे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को दुख और तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।